गहुई वैश्य समाज सभा एवं नव युवक मंडल ने गहुई भवन बस स्टैंड पर परम श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्त नन्ना जी की 105वीं जयंती मनाई। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण गुप्त नन्ना जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में भोगीलाल बिलैया व भूषण गुप्ता ने स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्त नन्ना जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सभी पदाधिकारियों और सामाजिक बंधुओं ने स्वर्गीय नन्ना जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में नरेश सरावगी और अशोक नगरिया, केशव प्रसाद, तितविलासी, पवन कुचिया, रानू बलैया, नीलेश नौघरैया, सुमित नौघरैया, सुभाष सेठ, महिला मंडल लक्ष्मी कसाब, नंदिनी तितविलासी, पूजा पहरिया, राहुल सेठ, आशीष पहरिया, लक्ष्मी नारायण पहरिया, रामेश्वर सेठ, पत्रकार संजय बलैया आदि उपस्थित थे। देखिए समाज सेवियों ने क्या कुछ कहा। और कर्म क्षेत्र इन्होंने अपना कुछ छोड़ चुना। पहली विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने हिंदू महासभा से चुनाव लड़ा और पहली विधानसभा से लेकर लगातार चार चुनाव नन्ना जी जीते। हिंदू महासभा के बाद फिर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ से फिर भारतीय जनता पार्टी। चार चुनाव लगातार जीतने के बाद उनका इतिहास ऐसा रहा कि चार चुनाव फिर लगातार हारे और फिर नौवां चुनाव फिर जीते। जिस प्रकार पांच चुनाव और तीन बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, बहुत पावरफुल मंत्री रहे। और वास्तव में नन्ना जी का जो व्यक्तित्व रहा है, सेवा, उनकी सेवा भावना जो रही है, जिस समय यहाँ महुआ के पेड़ों का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उस समय नन्ना जी जो है विधानसभा में इन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से इन्होंने अपना ये प्रश्न उठाया था कि महुआ से हमारे गरीब जनता जो है पेट भरते हैं और वो यहाँ पर आए रात में और यहाँ से मुर्गा और लटा जो महुआ के बनते थे वो लेके गए, वो विधानसभा के अध्यक्ष के सामने ये रखे कि इनको खा करके हमारा जनता जो है पेट भरती है और उसका लाभ। सबसे पहले कछोर में क्या बोलते हैं न्याय विभाग में सेवाएं दी, उसके बाद साथ में शिक्षण भी करते थे, दोनों काम करते थे और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। और इन्होंने सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर में सबसे पहले इन्होंने जिला सहकारी बैंक में चुनाव लड़ा, उसमें डायरेक्टर पद पर ही चुने गए थे, तो वहाँ से इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ इन्होंने बी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदू महासभा के साथ काम किया और उन्होंने वो बी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने शिवपुरी जिले की हिंदू महासभा की जो कमान थी ना वो इन्हीं के हाथों में सौंप दी थी, इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया था कि आपको ही काम करना है सारा। ये इतने ज़्यादा एक्टिव थे और मतलब इनकी जो छवि थी ना बहुत अलग ही छवि थी, युवा में इनका जो बोलने का तरीका और हर चीज़ वो उनको लोग युवा बहुत पसंद करते थे। अरे पता तो बोल रहे थे नहीं, सबसे पहले विधायक के लिए नन्ना जी को चुना गया था, कुछ समाज की एक पहचान उन्होंने पूरे देश में बनाई। मैं आगे अपने